नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून क्या होता है? आजकल ब्लू मून की बहुत चर्चा हो रही है, तो जानते हैं कि ब्लू मून क्या है? क्या हम लोगों ने ब्लू मून देखा है? क्या इसका रंग जो है ब्लू होता है? सबसे पहले जानते हैं कि ब्लू मून होता क्या है। पूर्णिमा महीने में एक बार आता है, जब आसमान में पूरा चंद्रमा दिखता है। एक महीने में जब दो बार पूर्णिमा होता है, ऐसे तो एक बार पूर्णिमा होता है, लेकिन यही पूर्णिमा यानी कि जब एक महीने में पूरा चांद दो बार दिखता है, तो उसे ब्लू मून का नाम दिया जाता है। यह ब्लू मून जो है 2020 के अक्टूबर महीने में लोगों को दो बार दिखेगा। इस बार अक्टूबर महीने में 1 तारीख को और 31 तारीख को दो बार जो है पूर्णिमा पड़ता है, ऐसा रेयर केस में होता है। एक साल में 12 फुल मून होते हैं, लेकिन इस बार जो है 13 फुल मून होंगे, यानी कि एक साल में 13 पूर्णिमा होंगे। तो ब्लू मून का जो है चांद क्या ब्लू होता है? तो ऐसा नहीं है। ब्लू मून का जो है चांद हर दिन की अपेक्षा चमकीला होता है। 1944 में ब्लू मून देखा गया था, चमक तेज थी, वह नीला नहीं था। यानी कि 76 साल बाद ये ब्लू मून देखने को मिल रहा है। तो जिसकी उम्र 76 साल होगा, वही ये ब्लू मून देखे होंगे। कम उम्र वाले जो लोग हैं, इसे पहली बार देखेंगे। इसके बाद जो है 2020 के बाद 2039 में ये ब्लू मून दिखेगा। इस बार ब्लू मून को जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका के अलावा इंडिया, यूरोप और एशिया के दूसरे देशों में भी लोग देख सकते हैं। ये था ब्लू मून। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।